पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले ही एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। वोटिंग से पहले यहां एक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की पीट पीट कर जान ले ली गई है। मरने वाले नेता की पहचान शेख महबूल के रूप में की गई है। इस घटना के बाद से इलाके में भी हड़कंप मचा है। टीएमसी ने इसका सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है। तो वहीं ऐसा ही दूसरा मामला सामने आया है, वो भी मिदनापुर का है। यहाँ बक्सा इलाके में देर रात तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक छठे चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले तमलुक के लोकसभा क्षेत्र मिदनापुर के महिषा दल में एक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की पीट पीट कर जान ले ली गई, जिसके बाद से टीएमसी का आरोप है कि इसमें बीजेपी का हाथ है। बता दें कि टीएमसी कार्यकर्ता का नाम शेख महबूल है, जिसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। बीती रात महिषा दल इलाके में मृत टीएमसी कार्यकर्ता की बीजेपी कार्यकर्ता से बहस हो गई और ये बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता की जान ले ली गई। बताया गया कि हमलावरों ने धारदार हथियार से उन पर कई बार वार किए। उनकी जान जाने के बाद आरोपियों ने उनकी बॉडी तालाब में फेंक दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों को जब घटना के बारे में पता चला तो हड़कंप मच गया। लोग तुरंत मौके पर गए और उन्होंने बॉडी बाहर निकाली और उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने महबूल को जवाब दे दिया, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। जाहिर है कि ये कोई पहला मामला नहीं, हाल ही में बंगाल के नंदीग्राम में भी घटना घटी थी। बीती 22 मई को नंदीग्राम में हिंसा हुई थी, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की जान चली गई थी और उसके बाद हिंसा भड़क गई थी। इसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा था, जिसके बाद से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने थे। इस वजह से विरोध जगह जगह और आगजनी तोड़फोड़ की गई थी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। बता दें कि नंदीग्राम में वोटिंग से ठीक पहले काफी तनाव पसर गया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की घटनाओं में 7 कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। बता दें कि आज 25 मई है, जो कि छठे चरण की वोटिंग जारी है। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन बंगाल में हुई ये घटना सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है और देखना होगा इस मामले में आगे क्या अपडेट आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।